वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं एमआर न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इब्रार। नाजरीन, एक संगीन अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें। सीईओ एमआर न्यूज़ मीडिया ग्रुप रेहान रूहानी पर कातलाना हमला। रेहान रूहानी की मीडिया से गुफ्तगू, उनका क्या मुतालबा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बेटे, मेरे पे कातलाना हमला ऐसे हुआ है कि मैं अपने विरासती ज़मीन और अपने प्लाट पर गया हुआ था, जिसी लाहौर यूनिवर्सिटी के साथ मियाँ बीवी हम दोनों गए हुए थे, तो आसिफ कंजाल ने यकदम हमारे पे पहले पिस्टल तानी, उसके बाद फिर फौरन उन्हें ईंटों के वार किए और मुझे ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी करके मेरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और मुझे कोई होश नहीं। मुझे 112 ले गई हस्पताल और इसने मेरे साथ ज्यादती की, जबकि वो प्लाट भी मेरा है, हमारी विरासती ज़मीन है, बाप दादे की जायदाद है, ये कब्ज़ा ग्रुप है और ये डाकू आदमी है। इसके दो भाई डॉक्टर हैं, ये MLC अब मैं कटवा के आया हूँ। मुझे ये भी डाउट है कि ये इसमें रद्द अमल ना कर दें, और ये मुजफ्फर दूल ग्रुप जो है अपना अजमन ताजरान वाले, ये भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं उनका हिस्सा है, इसे कब्ज़े करवाते हैं क्या करवाते हैं, लेकिन मेरी हुकाम बाला से पुरजोर उम्मीद है कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और इसके ख़िलाफ़ ऐसा काम किया जाए कि ज़िंदगी भर ये किसी के साथ ना करे। अब मेरे से बोला भी नहीं जाता। सर, ये इसे बताएगा कि क्या आपने किसी थाने में दरख्वास्त दी या नहीं? बिल्कुल, SHO सिटी शकील को दरख्वास्त दी, और मैं ये DPO साहब, DCO साहब और सेशन जज साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ फौरी एक्शन और पर्चा दिया जाए। नहीं, अगर हुकामा बाला ने हमारी दरख्वास्त पे अमल ना किया तो हम प्रेस क्लब में एहतजाज करेंगे।